आदरणीय मंत्री महोदय, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। यहाँ चलेगा, ठीक है, ओके। मेरा नाम आंचल है, जादूगर आंचल। मंचल में करीब 20 साल पहले मैं आई थी यहाँ पर शो कर, 16 साल पहले, और 20-25 दिन का हमने यहाँ पे मैजिक शो किया था। आज सुबह माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और जब मैं इस ऑडिटोरियम में घुसी है वाकई ज़रूरत थी। मैं चाहूँगी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम इन्होंने जो बनाया हम जैसे कलाकारों के लिए, तो थैंक यू सो मच। एक जादू मैंने सुबह इन्हें दिखाया था जो इन्हें बहुत पसंद आया था, इनको भी दिखाऊँ क्या? पैसे वाला इनको बहुत अच्छा लगा था, सुबह सुबह मैंने दिखाया था एक जादू। तो एक्चुअली जादू इनका कहना है कि ये दिखाना ही नहीं सिखाना है। आप लोग सीखना चाहते हैं? दिखाना भी चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, आप में से किसी के पास मुझे कुछ 50 का नोट मिल सकता है? किसी के पास, महिलाओं के पास अगर होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बाकी इधर से भी चल सकता है। ओके, इनके पास मिल गया, चलेगा। आप भैया पकड़ा देगा, थैंक यू। आपका शुभ नाम जान सकती हूँ मैं? रूपाली जी, इनके लिए जोरदार तालियां। ये ताली इसके लिए कि रूपाली जी आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं आपके नोट वापस करूंगी या नहीं। अभी रूपाली जी मुझे घूर घूर के देख रही है, ताई भरोसा करो मैं पक्का दूंगी। ओके, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में कितने का नोट है, 50 का। सभी को दिख रहा है? अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा वो अपने आगे वालों से पूछ लेना। मेरे दोनों हाथ खाली है और मेरे हाथ में 50 का नोट है, देखिए। और मैंने स्लिप्स भी ऊपर रखी, क्योंकि कई बार जादूगरों पे शक होता है ना, अंदर कुछ डालते होंगे निकालते होंगे ऐसा कुछ। तो मैंने दोनों हाथ आराम से क्लियर दिखाऊंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये जादू आप सीख रहे हैं। आपको एक नोट लेना है, हमें इस नोट को ऐसे मोड़ना है, मोड़ सकते हैं राइट, आसान है। इसके बाद हमें इसको फिर से ऐसे फोल्ड करना है दूसरी बार, इसके बाद हमें इसको फिर से फोल्ड करना है थर्ड टाइम। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप नोट को मोड़ो तो कोशिश करें कि इसके जो कोने हैं वो लगभग बराबर हो, ये बहुत जरूरी है। एक आखिरी फोल्ड हमें करना है एकदम छोटा सा, दोनों हाथ से नोट को कवर किया और धीरे से इस नोट को वापस खोल दो। जब आप नोट को मोड़ के वापस खोलते हो तो कुछ मैजिक हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को बताने चला होगा, इन्होंने मुझे 50 का पुराना दिया था इसलिए मैंने इनको 100 का पुराना दिया, आपको नया देना चाहिए था। ओके, ये देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं 100 का बन चुका है। रूपाली जी, आपका नोट शायद पास से देखेंगे तो आपको असली में पता चलेगा। आइए आइए, उनको दीजिएगा नोट उनका। अभी महिलाओं को लग रहा है कि हम क्या ही कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास 50-50 के बहुत नोट है ना। रूपाली जी को, हाँ ये 100 का है, जादू यही था, आपने मुझे कितने का दिया था? ये मैंने आपको 100 का दिया है। हमारे मंत्री जी को सहमति दो, आप उनको सपोर्ट करो, वो आपको ऐसे दुगुना लौटा रहे हैं सभी को। आप उनको इतना दे रहे हैं, वो मुझसे बढ़कर दे रहे हैं, और इस बात के तो अभी खैर मैंने ही देख लिया गवाह यहाँ पर ऑडिटोरियम में आके। अच्छा, एक और की इजाजत है, मुझे जादू करते हुए करीब 27 साल हो चुके हैं, 27 साल हो रहे हैं, ये 27th ईयर रनेंगे। और अक्सर मतलब कई सारे टीवी शोज की, इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज मेक स्टार, कई सारे टीवी शो की मैं विनर बनी हूँ, और 14,000 से ज़्यादा स्टेज शो किए हैं। लेकिन अभी तक का जो सबसे बड़ा जादू, जो लोग मुझसे पूछते कि आंचल आप इतने सारे शोज करिए, अभी तक का सबसे बड़ा जादू क्या था? तो हमने 2014 में एक मैजिक किया था, जब मुझे 100 फीट लंबी स्टील की चेन और 100 तालों से बांधा गया, उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया, फिर उस बॉक्स को बाहर से लोहे की पत्तियों से वेल्ड कर दिया। उस सिचुएशन में उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में डाला गया और उसमें आग लगा दी थी, और वो जलती हुई आग में से कुछ सेकंड में सकुशल बाहर आई थी। ऐसा करने वाली मैं हिंदुस्तान की पहली महिला जादूगर बनी हूँ। और हमारे इस मैजिक एक्ट को 2016 की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। तो ये बात बताने के लिए पीछे वजह एक ही कि इसका एक छोटा सा डेमो मैं आपके सामने करने वाली हूँ, और इसमें मेरे पास रस्सी मिलेंगे, और कुछ नहीं, एक रोप है, एक रस्सी है, ओके। मतलब अगर वो निकल सकता है तो मुझे निकल सकता है ना,
चलेगा क्या थोड़ी देर के लिए? थैंक यू वो ले देंगे। और इसके लिए मुझे हमारे मंच पे से किसी भी आप में से कोई मुझे दो जने असिस्ट कर सकते हैं प्लीज? आप आ जाइए सर, आप आ जाइए सर, आइए आगे जाइए प्लीज प्लीज। तो जब तक वो लेकर आते हैं तब तक मेरे पास एक रस्सी है, आप इनका कहना है कि गायब करना है तो इनको करो। वो मुझे पहले ही आपके लिए बोल चुके हैं, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि देखो इन्हीं को लेना क्योंकि गायब इन्हीं को ही करना है। ओके, मेरे पास ये रस्सी है, मैं चाहूंगी इसका एक सिरा आप पकड़िए, एक सिरा आप पकड़िए, इसको आप लोग खींच कर देख सकते हैं, ये ओरिजिनल रोप है, इसमें जादू चालाकी कुछ ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है ना। आपका शुभनाथ दास अजय भाऊ, आपका सोमनाथ भाऊ, आप दोनों में से एक जना इधर आ जाइए, एक जना इधर आ जाइए, कोई भी एक जना इधर आ जाइए, ठीक है? तो आज आप दोनों को करना क्या है, आज आप दोनों को मिलकर मुझे इस रस्सी से बांधना है। कितने खुश हो रहे ना ये कैसा ऐसा मौका बहुत कम मिला है, ऐसा मौका मिलता नहीं है। अच्छा पापा आपकी हेल्प चाहिए, मुझे माइक पकड़ लेंगे। बाय द वे ये मेरे पापा हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। पेशे से पापा माइनिंग इंजीनियर है और जादू मतलब मुझे जादू सीखूं और मैं जादू में आगे बढ़ूं इसके लिए मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी, इंजीनियरिंग की जॉब थी, मेरी मम्मी भी इंजीनियर थी, और पूरा टाइम मुझे दिया ताकि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच सकूं। तो मैं सिर्फ आज आप बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं उन सबसे कहूँगी आप लोग जॉब मत छोड़ो, अपना काम मत छोड़ो, लेकिन आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट ज़रूर करना, वो बहुत आगे तक चल रहा है। तो सर हमें करना क्या है, आप जैसे मैंने कहा आप दोनों को मिलकर मुझे इससे बांधना है, तो हमें शुरू करें उससे पहले आपसे सवाल, क्या आपने आज से पहले कभी किसी को ऐसे बांधा है? नहीं, ये पहला मौका है पक्का? आपकी शक्ल से तो नहीं लग रहा मुझे बांधा हुआ। लेट्स सी। ओके, तो मैं चाहूंगी सर आप इसका एक सिरा आप पकड़ लीजिए और एक सिरा अजब वो थोड़ा सा गई, इसका एक सिरा पकड़ लीजिए, टाइट करिए, खींचिए एकदम टाइट करिए, थोड़ा सा हो जाइए वो सर को देखिए। हाँ बिल्कुल, और बिना ढीला छोड़ते हुए इसके ऊपर एक गांठ लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए इसके ऊपर, हाँ गांठ मार दीजिए। हेलो, हाँ थोड़ा टाइट कर लीजिए, आपने झूठ बोला था पहले नहीं बांधा है। जिस तरह से बांध रहे उस तरह से लग रहा है कि बहुत बार काम पड़ चुका है। आपकी श्रीमती जी यहाँ मौजूद है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, एक मिनट, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि घर पे कोई बात हुई होगी जिसका बदला यहाँ निकाला जा रहा है, वहां तो कुछ बोल नहीं सकते तो करे क्या। ओके, बाय द वे इन्होंने बहुत अच्छे से बांधा है ना, पापा उसको रख दीजिए एक मिनट। सोमनाथ अजय भाऊ आप ये लेंगे, शॉल लेंगे, इसको देख लीजिए इसमें कुछ है तो नहीं, ले लीजिए अपने हाथ में, चेक करेंगे, डबल ही रख लेगा इसको। ओके सर आपसे सवाल, क्योंकि आपने गांठी ज्यादा लगाई है, अगर मैं अपने दांतों से एक एक करके इन गांठों को खोलूं तो मुझे कितना समय लगेगा अंदाज से? एक आधा मिनट लगेगा। एक आधा मिनट, कौन सा दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है ना आपने कितनी ताकत लगाई है। हाँ चलो कोई बात है, लेट्स सी हम लोग करेंगे क्या। अजय भाव आप थोड़ा सा आइए, मैं बोलूंगी 1 2 3, आप इस शॉल से मेरे हाथ को ढकेगा, ढक्के बताइए कैसे ढकेंगे, परफेक्ट, आपको ऐसे ढकना है और आपके हाथ में घड़ी है, आपको इसमें समय देखना है कि मुझे कितना समय लगता है, कितने मिनट लगते हैं। तो आप तैयार हैं, आप भी तैयार हैं अजय भाव, 1 2 एंड 3, बिल्कुल इसको ऐसे ढक के छोड़ दो, यहाँ तक थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि बाकी के लोग देख सकें। नहीं नहीं ऐसे मत देखिए, इसको उठाइए, इन्होंने सच में मुझे बहुत टाइट बांधा है, मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। हाँ हाथ तो अंदर ही है, तो
बिल्कुल, इसको ऐसे ढक के, अच्छा वो आप समय मोबाइल में नहीं घड़ी में देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, वो सेकंड से पता चलेगा ना। मोबाइल में क्या होता है कई बार हमें मिनट कितने लग जाते पता नहीं चलता, उसके लिए तो नहीं, मतलब मैंने अभी शुरू किया नहीं है जादू। आप टाइट कर लो ऊपर की रस्सी को, टाइट कर लो, टाइट कर लो, टाइट कर उसको, जो होना चाहिए, उम्मीद करती हूँ। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ऑडियंस आप लोग तैयार हैं? अब इतना धीरे बोलोगे तो कैसे जादू होगा? आप लोग तैयार हैं? ओके, फॉर द लास्ट टाइम, 1 2 3 और आप इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई साहब। एक मिनट आ गया, आपने कैसा बांधा है जरा पता तो चलना चाहिए, मंत्री जी को भी। आप मेरे हाथ देख सकते हैं पूरा है ना। मेरा एक शो होता है, अपने 2 घंटे के शो में मैं बहुत सारे जादू करती हूँ, किसी को गायब करती हूँ, किसी को हवा में उड़ाती हूँ। जो जनता हमारा शो देखने आती है उनमें से किसी को मैं हिप्नोटाइज करती हूँ और उसको डांस करवाती हूँ। अपन शो में मिलेंगे, मजा आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। ओके, मैं आपका, अगर मुझे मौका मिलता है, आपके पास समय है तो मैं लंबा खींच सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना टाइम है, तो आई थिंक इट्स इनफ है ना। थैंक यू सो मच, आपके ने मुझे मौका दिया। मैं चाहूंगी वंस अगेन हम लोग प्लान करें, शायद जैसे इनका आदेश हो या जो भी हो, मेरी बहुत इच्छा है, जैसे मैंने स्टेज पर कदम रखा मुझे लगा यहाँ पे तो शो होना चाहिए, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम आपने बनाया है, कोशिश करेंगे हमारे यहाँ पर शो हो। तो अगर ऐसा होता है आपको पता चलेगा तो आप जरूर आइएगा, सब परिवार आइएगा, 2 घंटे का हमारा शो रहता है। बाकी ऑनलाइन आप जादूगर आंसर के नाम से मुझे ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पे भी आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं भी पुणे में अभी चाकर में शो स्टार्ट हो रहे हैं मेरे परसों से। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत आभार।